खैरियत से हैं। अच्छा, आज हम पहुँचे हुए हैं आप लोगों के लिए डोंगा गली, और आज है डेट आपकी 16th of March। इनको जो है ना ये फोन 500 रुपये और हमारा 20 रुपये। डोंगा गली से स्टार्ट होता है और अयूबिया पे जाके, तो ये आपकी जो है अंग्रेज़ों के ज़माने की जो पाइपलाइन डली हुई है ये वो है। एक और आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बड़ी अच्छी टनल है। 55 साल यहाँ पे आपको हो गए जी। अब उम्र क्या है? उम्र 55 साल। अगर कराची में इस तरीके का ट्रैक होता, पाइपलाइन ट्रैक, ये ट्रैक जो है आपका 1991 में बना था। भाई कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम पहुंचे हुए हैं आप लोगों के लिए डोंगा गली, और आज है डेट आपकी 16th of March। तो आए हुए तो हैं यहाँ पे इवेंट के लिए, लेकिन हमने कहा कि चलें डोंगा गली को भी शूट करते चलें आपको लिए। मौसम बहुत अच्छा है, हालांकि 16th March है और स्नोफॉल हुई है अभी थोड़ी देर पहले, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। तो चलते हैं आगे ट्रैक के ऊपर, लेकिन अली भाई ये कह रहे हैं कि चलते चलते कॉफ़ी भी हो जाए, तो मैं कहा चलो कॉफ़ी ले लो भाई। ट्रैक चल रहा है, ये डोंगा गली से स्टार्ट होता है और अयूबिया पे जाके निकलता है, और ये है आपका 4 किलोमीटर का ट्रैक। कुछ भी नहीं है, इतनी तो हमने डेली रूटीन में रनिंग या वॉक करनी चाहिए। तो लेकिन बात ये कि सर्दी ठीक ठाक है, जब सर्दी ठीक ठाक होती है तो फिर ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है सिलसिला। लेकिन व्यू बड़ा रिफ्रेशिंग है यहाँ पर, अगर आप देखें साथ में आपके जंगल चल रहा है और तीन सिलसिला। अच्छा जी, ट्रैक हमारा चल रहा है और डिस्टेंस की अगर आपको बात बताएं तो इसमें भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। कहीं पे कहते हैं कि ये 3.5 किलोमीटर है, कहीं पे कहते हैं 4 किलोमीटर है, कुछ जगहों पे आपको 4.5 किलोमीटर भी मिलेगा। एनीवेज ये तो चल रहा है। जब ये ट्रैक ख़त्म होता है हमारा पाइपलाइन ट्रैक, तो इसके एंड पे हम आपको एक और छोटी सी टनल है, अयूबिया मोटो टनल, ठीक है, वो भी विजिट कराएंगे, वो इससे भी पुरानी है। अच्छा जी, ये हमारा पाइपलाइन ट्रैक चल रहा है अयूबिया का, और ट्रैक बहुत मज़े का है। अगर आप जॉगिंग करना चाहें, रनिंग करना चाहें, तो बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक है। 4 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर आप, अच्छा पाइपलाइन ट्रैक क्यों कहते हैं इसको, ये अंग्रेज़ों के ज़माने में इस ट्रैक को बनाया गया था, ठीक है, और यहाँ से जो है पाइपलाइन जा रही है जो कि डोंगा गली से स्टार्ट होती है पीछे से और जाके ये ख़त्म होती है अयूबिया पे। तो यहाँ से जो है वो आपको, हम अगर आगे लेकर चलते हैं तो ये लेफ्ट पे जो है ना, ये आपका वो पाइपलाइन चल रही है जो कि पाकिस्तान बनने के बाद और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है ना ये पाइपलाइन चल रही है। और जो राइट पर अगर हम आपको दिखाएँ ये वाली, तो ये आपकी जो है अंग्रेज़ों के ज़माने की जो पाइपलाइन डली हुई है ये वो है, ठीक है। तो ये दैट इज़ वाई इज कॉल्ड पाइपलाइन ट्रैक। अच्छा, इसमें एक और बात बताएं कि डोंगा गली थी जो है ना आपका, ये पाइपलाइन का जो है वो स्टार्ट हुआ है, और ये पानी जो है मरी को सप्लाई करने के लिए जो है ये पाइपलाइन बिछाई गई है यहाँ पे। ये पूरा जंगल था, पहाड़ था, इसको काट के जो है इन्होंने ये बनाया है, ये सोचा है। बाकी और आगे आगे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं, बताते हैं और क्या है क्या नहीं। काफ़ी पुराना दरख्त है, अभी अभी पता लगा है। ये पूजा पता कैसे लगा है?
पता है, बताया किसी ने हमको। ये हमें रास्ते में चाचा मिले। चाचा जी, क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है सर। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ साहब जी जी, कब से हैं यहाँ पे? ये 55 साल हो गए सर। 55 साल यहाँ पे आपको हो गए जी। अब उम्र क्या है? उम्र 55 साल। 55 साल जी जी। आए तो हम भी वॉक करें तो फिर आपके साथ चलते हैं थोड़ा। ठीक है सर। तो चाचा क्या कहते हैं इसके बारे में, ये ट्रैक कितना पुराना है, किसने बनाया है? ये अंग्रेज ने बनाया सर। अंग्रेज साहब जी जी। वजह क्या थी बनाने की? उन्होंने शौक थी और रास्ता पहाड़ी थी, पहाड़ी काट के उन्होंने बनाया रास्ता। अच्छा। फिर इन्होंने महकमे ने और सप्लाई ने इन्होंने पाइपलाइन की सप्लाई के लिए जी जी। अच्छा अच्छा जी जी। फिर उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फिर अपनी सप्लाई भी बिछाई। फिर अपने अपनी बिछाई ने फिर नेशनल पार्क बन गई है। नेशनल पार्क भी है। तो क्या आप कुछ बता रहे थे, जो जानवर वगैरह भी होते हैं यहाँ पे? हाँ जी, लेपर्ड आए जी बहुत ज्यादा ने। अच्छा। बहुत नुकसान करते हैं लेपर्ड जी जी। इंसानों का नुकसान तो नहीं करते? इंसानों के भी करते हैं। अच्छा। और सुन रहे हैं आप लोग दोस्तों, ये आप लोगों को व्लॉग बनाने के लिए हम लोग हर जगह पे आए हुए तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे लेपर्ड पाए जाते हैं क्योंकि नेशनल पार्क है जी जी। और नुकसान जाहिर सी बात है क्योंकि लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, भैंस है, बकरी है, बैल है। अच्छा। वो सारा जाया करते हैं। अच्छा अच्छा। वो गवर्नमेंट कहती है बस बैंक हमारा तकरीबन 50% हो चुका है और 50% बाकी है। मज़ा आ रहा है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, मज़े का है और चल रही है चीज़ें। बाकी नीचे आप देखें क्या ज़बरदस्त, सारी खाई है सारे, सारा जंगल है। मिड ट्रैक हो गया है, 2 किलोमीटर्स का ट्रैक हो गया है और 2 किलोमीटर्स का बाकी है और चल रहे हैं। मौसम इतना अच्छा है कि आप कहेंगे कि यार चलते रहें। अच्छा जी, ट्रैक चल रहा है और अली भाई कह रहे हैं कि कोई ट्रांसपोर्ट मिल जाए यहाँ पे तो अच्छा है, पैदल कौन चलेगा यार, गधे ही मिल जाते हैं यहाँ पे कम से कम, गधे खच्चर घोड़े सब मिल रहे होते हैं, बुड्ढे हो गए हैं यार। हाँ तो लेकिन ये कि मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद अली भाई कह रहे हैं कि इमरान भाई खाना क्या खाएंगे हम लोग ये ट्रैक होने के बाद, क्योंकि भूख तो उनको लग गई है। ठीक ठाक हो रहा है, खाने का टाइम भी हो रहा है और तो भूख वाकई में लग रही है। ट्रैक पूरा होता है इंशाल्लाह, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और कर करेंगे। वो वाली चाय भी होगी। हाँ वो तो लाइट ब्राउन डार्क येलो वो भी होगी, कड़क चाय भी होगी। बाकी अयूबिया आप आए हुए हो तो आपको दिखाते हैं कि हम लोग यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, कि खाने में आपने क्या ज़रूर ट्राई करना है। स्पेशल डिश भी बताएंगे, स्पेशल डिश आपको बताएंगे लाजमी। ट्रैक बहुत अच्छा है, इसके अलावा भी 2-3 और ट्रैक हैं, सबसे हाँ। शॉर्टेस्ट ये है। एक और आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बड़ी अच्छी टनल है, हाँ, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे जब निकले वहीं हैं तो वहाँ पर भी चलेंगे। व्यू बहुत मज़े के हैं, फैमिली के साथ आए हैं, जो एजेड हैं वो स्टेक लेके आ रहे हैं, कोशिश करेंगे ना आए। नहीं नहीं आए क्यों नहीं, ज़्यादा एजेड नहीं है, बस थोड़ा सा
यहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं आती, मसला ही है। हाँ एयर एम्बुलेंस आएगी, आसमान खुला हुआ है, ड्रोन की तरह ले जाएगी। अच्छा ये अभी अभी ब्लाइंड में बात आई है इस ट्रैक के ऊपर चलते हुए कि अगर कराची में इस तरीके का ट्रैक होता, पाइपलाइन ट्रैक, तो सबसे ज़्यादा वारदातें जो है ना वो यहीं पर होती। तो फिर अली भाई अपना ये ड्रोन कैमरा, मोबाइल, ये सब गाड़ी में रख कर आते और फिर जाते। तो मैं ये डिफरेंट है रीजन में। और चीज़ सोच रहा था, हाँ ये चड्डी और बनियान में आना पड़ता सिर्फ सिर्फ ऐसे आ रहा हूँ, लेकिन वो कराची होता तो उसमें भी अगर ब्रांडेड होता ना तो फिर और मसला था। ठीक है, तो अब खैर क्या कहें, लेकिन ये फ़र्क है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे कराची के लोग जो है ना माशाल्लाह इतने आराम तलब हैं कि वो इस ट्रैक पे भी जो है ना वो गाड़ी या बाइक पे आने की करते, इसको बल्कि ट्रेल ट्रैक बना ट्रेल देते हैं। हाँ 4x4 या उसमें यामाहा की YR125G जिस तरीके से जितने भी जो ट्रैक पे रफ, यहाँ पर लॉन्ग रोडिंग, इस रीजन में लोगों की फिटनेस का राज यही है कि वो ज़्यादातर जो है वो वॉक करते हैं। और हम लोगों का जो राज यह है सेहतों का वो ये कि हम ज़्यादातर जो है वो गाड़ी में जाना पसंद करते हैं, तो ये फ़र्क है। और दूसरा ये भी है कि जो नॉइस पोल्यूशन है कराची की, उस हवाले से आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना कितनी फ्रेश एयर है यहाँ पे कि आप जो है सांस लेने में भी मज़ा है। हाँ नॉइस पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, नॉइस पोल्यूशन तो है ही नहीं ना। आप देखें कि परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं आपको, चहचहाने की है या कैसी है, लेकिन आ रही है। अच्छा जी, यहाँ से जो आपका अयूबिया नेशनल पार्क स्टार्ट हो जाता है, अगर आप इस तरफ से अयूबिया की तरफ से नथिया गली जा रहे होते हैं और समझ लें कि डोंगा गली जहाँ से हमें स्टार्ट करा है, तो यहाँ से आपका 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहाँ से भी ट्रैक करते हैं लोग, यहाँ से भी ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बड़ा अच्छा हुआ है। टाइमिंग है यहाँ की, अगर आप लोग आ रहे हो शाम 6 बजे से पहले डेफिनेटली डे लाइट में आप लोगों ने जो है ना वो ये करना होता है। और KPK आपका कहलाता है अयूबिया, टिकट्स हैं यहाँ से, अगर आप यहाँ से एंटर होते हैं तो यहाँ से ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, बस यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे। ये आपकी हिस्टोरिकल मोटो टनल है 540 फीट, अगर आप इधर जाएंगे तो। ठीक है, तो चलते हैं। तो ये हम आ गए टनल के लिए एंट्री। जी सर, कितने का टिकट है ये भाई? फाइनल लें दो, इनका 500 रुपये। अच्छा 20 रुपये। अच्छा इनको जो है ना ये 500 रुपये और हमारा 20 रुपये। ठीक है, इनके साथ आने में ये मसला बड़ा है। ठीक है कि हर जगह जो है ना वो इनके 500-500 रुपये मांगे जाते हैं। आप इनका आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, दिखाते हैं भाई आईडी कार्ड, दिखाओ भाई। वोटिंग करा लेते हैं पाकिस्तानियों से कि मैं ज़्यादा पाकिस्तानी लगता हूँ या चाइनीज लगता हूँ। आप ज़्यादा चाइनीज लगते हैं, वोटिंग आप ना करवाएं तो जबान का क्या करा जाएगा। अच्छा जी, ये हम आ गए इस वक्त मोटो टनल ट्रैक के ऊपर, अयूबिया नथिया गली ट्रैक से अगर आप आ रहे होते हैं। ठीक है, और जो कि आपको बताया था तकरीबन 4 किलोमीटर का है, तो फिर उसको कम्प्लीट करने के बाद आप आते हैं मोटो टनल ट्रैक, ये है। ठीक है, ये ट्रैक जो है आपका 1891 में बना था। ठीक है, और रेनोवेट हुआ है ये पाकिस्तान में 2000 में।
और इसकी भी डिटेल अगर हम आपको बताएं तो तकरीबन ये 250 फीट लॉन्ग है, ठीक है। और हम आपको अंदर लेकर चलते हैं इसके अंदर क्या सिलसिला। तो यूबिया ट्रैक पे आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली मोटो टर्नर ट्रैक पे भी लाजमी आए। चलें आगे चल के देखते हैं फिर क्या। पाकिस्तान में ये रिस्टोर्ड हुई है तकरीबन 2022 में या शायद उसके करीब कुछ। यहाँ पर हमारी ये आज की एपिसोड ख़त्म होती है जिसमें हमने आपको अयूबिया में मोटो टनल और पाइपलाइन ट्रैक विज़िट कराया। आगे आपको फिर नथिया गली की और कुछ अट्रैक्शन विज़िट कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद इमरान शाह। फॉर मोर अमेजिंग वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल।